दिल्ली में बीते दिनों कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में बीते दिनों कोरोना के जितने मामले सामने आए उसमें 84% मामले ओमिक्रॉन के हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच कुछ बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली में अब कुछ नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जैसे वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य सेवाएं छोड़कर सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी कंपनियां भी 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करेंगी। बसें और मेट्रो अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन उन्हीं यात्रियों को प्रवेश मिलेगा जो मास्क पहने होंगे। धार्मिक स्थल खुलने के बाद भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं और शादी विवाह के लिए भी 20 लोग ही शामिल होंगे। और शादी के लिए नियम ये भी होगा कि ये घर व कोर्ट में ही की जाएगी। होटल और लॉज के लिए सिर्फ कमरों में अतिथियों को ठहराने व खानपान की इजाजत होगी, दूसरी सारी गतिविधियां बंद होंगी। रेस्टोरेंट और बार के लिए 50% क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। साप्ताहिक बाजार के लिए MCD, NDMC और DCB के सिर्फ एक जोन में ही एक दिन बाजार लगेगा और दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक सम विषम फॉर्मूले के साथ खुलेंगी। देश भर में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली ने भी अब ये बड़ा फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू के साथ माना जा रहा है कि देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।